गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 से लेके 10 तक। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेके 5 तक का बात किए थे, इस वीडियो में हम लोग 6 से लेके 10 तक का बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 6 नंबर में 23 टू द पावर 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2। तो यहां पर देख रहे हैं क्या घात कुछ भी रहे, लेकिन हम लोगों के पास जो गुणनखंड है वो 2 और 5 ही है और ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के जो भी हर होते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, शांत। और 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या अगर रहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत। तो ये क्या हुआ, शांत हुआ। शांत क्यों हुआ यहां आपको लिख देना है, क्योंकि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड दो और पांच है, इस तरह आपको मेंशन कर देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शांत, क्योंकि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 है। अब हम लोग 7 नंबर का बात करेंगे। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 नंबर में जैसे कहा जा रहा है कि 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। घात कुछ भी नहीं है, हमको नहीं देखना है, हमको देखना है यहाँ पर 2, 5 और 7। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त एक संख्या 7 है। इससे ये क्या साबित होता है, ये संख्या क्या है, ये है अशांत। ये जो है ये कहलाएगा अशांत। क्यों है अशांत, तो यहां पर मेंशन कर देना है आपको, क्योंकि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 7 नंबर को करेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर। चलिए झट से हम लोग 8 नंबर को भी देख लेते हैं। तो 8 नंबर में क्या है सवाल, सवाल नंबर 8 में है 6/15। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 15 का जो है गुणनखंड निकालना होगा। तो 15 का हम लोग देख रहे हैं 3 और 5 आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5। तो 3 और 5 क्या है, देखिए 3 अतिरिक्त संख्या हो गया, 2 और 5 के अतिरिक्त कौन हो गया, 3 हो गया, जिसके लिए क्या कहलाएगा, अशांत। और आपको इसमें मेंशन कर देना है क्यों है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड 3 मौजूद है, जिस कारण से ये क्या कहलाएगा, अशांत। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर। तो चलिए 9 नंबर में क्या है, 35/50। तो सबसे पहले आपको 50 का जो है गुणनखंड निकाल लेना है, 25 टू जा 50, 5 जा 25। तो देखिए यहां पर क्या आया, तो 50 का गुणनखंड जो है 2 इंटू 5 इंटू 5 आया। तो यहां पर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड तो है नहीं, जिस कारण से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शांत।
अब शांत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो और पांच गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मौजूद है। कहाँ है? परिमेय संख्या के हर में है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का टेन नंबर, तो चलिए हम झट से टेन नंबर बना लेते हैं। जैसे कि दस नंबर बता रहा है 77 डिवाइडेड बाय 210, तो सबसे पहले लोगों 210 का गुणनखंड निकालना है, तो चलिए तो गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर क्या आ रहा है कि 77 के साथ यहां पर हर में जो है 2 × 5 × 3 × 7, इसमें तो बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं दो और पांच के अतिरिक्त, जैसे 3 और 7, दो अभाज्य गुणनखंड अतिरिक्त आ गया है, किसके अतिरिक्त? 2 और 5 के अतिरिक्त, जिसके कारण ये क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो ये संख्या क्या होगा? अशांत। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर इससे जुड़े कोई भी मन में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई करने का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।